आज हम पढ़ेंगे पीएच फॉर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच जो है वो कितना होगा, या हम कह सकते हैं अगर हमारा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है, अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है 1N है तब तो हमारा पीएच जो होगा वो 0 आता है, और अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन आयन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1N से ज्यादा है, मतलब 2N 3N 10N या हम कह सकते हैं 100N या हम कह सकते हैं 500N या हम कह सकते हैं 1000N, तो जो हमारा पीएच जो होगा वो कितना होगा, तो पीएच जो होगा वो हमारा जो होगा वो नेगेटिव होगा, तब पीएच की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव आती है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि पीएच, क्वेश्चन पहला, इफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 1N, तो अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 1N है तो पीएच जो है इसका डिटरमाइन करना है, तो पीएच जो होता है वो माइनस लॉग एच पॉजिटिव, और ये माइनस लॉग एच पॉजिटिव जो होता है कितना होता है 1 है, लॉग 1 जो होता है ये 0 होता है, तो पीएच जो हो गया वो हमारा कितना हो गया 0। अब हम कहते हैं कि अगर हमारा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 100N, तो 100N को हम क्या लिख सकते हैं, ये 10^2N लिख सकते हैं, तो इसका जो पीएच जो है हम निकालेंगे, तो पीएच जो होता है वो माइनस लॉग एच पॉजिटिव होता है, तो माइनस लॉग एच पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है 10^2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 लॉग 10, तो पीएच जो है वो हमारा कितना आ जाएगा माइनस 2 है। अगर पीएच माइनस 2 है तो फिर पीएच स्केल कैसा हो जाएगा, तो पीएच स्केल रेंज जो होगी, पीएच स्केल की जो रेंज होगी वो कितनी होगी, माइनस 2 प्लस 12, तो पीएच स्केल की जो रेंज होगी माइनस 2 से 12 होगी, और हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो हुआ है वो कितना होगा, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो होगा वो कितना होगा 5, तो पीएच 5 पे सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा न्यूट्रल होगा, 5 के अबव जो होगा वो बेसिक होगा, और 5 से बिलो जो होगा वो एसिडिक होगा। थैंक यू सो मच।